क्या फायदा तुम्हारे यहाँ होने का, वो अब तक यही है। मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। अब तक तुमने क्या कर लिया जो आगे करोगी? मैं उनको खून पीऊंगी। तुम उनका खून पियोगी या उनकी जान खाओगी? मुझे बस अब वो यहाँ नहीं चाहिए, वरना नहीं नहीं अब कुछ न करें, अब मैं उनको भगा के दूंगी। जो मर्जी करो, जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग खराब ना करे। अब अगर तुमसे कुछ ना हुआ तो मैं वो करूंगी जो दुनिया देखेगी। चुड़ैल तेरी एक्स को। उठो औरते, उठो और तुम घोड़े बेच के सो गए हैं घोड़िया। एक काम कर, तो बीच में सो जाता हूँ। नहीं, डॉक्टर ने मना किया क्लब सैंडविच खाने से। इस हवेली में ना कोई आएगा ना कोई जाएगा, जो आया पछताएगा। इस हवेली में ना कोई आएगा ना कोई जाएगा, जो यहाँ
Wait. La 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 la. ये क्या हर वक्त हाथ में पकड़े घूमते रहते हो? थकते नहीं हो? मैं इसकी बात कर रहा हूं, टॉर्च की। ऐसा समझ गया था साहब, क्लियर करके बात को दूसरी तरफ क्यों घुमा रहे? नहीं, घुमा नहीं रहा। आप काफी ज़हीन इंसान हैं, लेकिन सवाल वो ये, थकते नहीं हो? इसको ना पकड़ूं तो और क्या पकड़ूं? दरअसल हमको ना पकड़ने की आदत हो गई। जब ये हाथ में नहीं होता ना, तो ऐसे लगता है जैसे आती नहीं है। फिर भी अजीब नहीं लगता, कुछ और पकड़ लिया करो। और क्या पकड़े? कुछ और पकड़ा ना तो वो नाराज हो जाए। कौन? आंटी सीमा? वो तुम्हारी बीवी है ना, और तुम टॉर्च पकड़े घूमते हो। तो और क्या पकड़ूं साहिब? उनके वो पकड़ो जो पकड़ने चाहिए। वो हम देख सकते हैं, पकड़ नहीं सकते। क्यों? तुम उनके शौहर हो ना? बस शौहर और का तो पता नहीं, लेकिन हाँ, कागजों में वो हमारी घरवाली जरूर है। क्या कभी तुमने पकड़ने की कोशिश भी नहीं की? तो भी क्या कर रहा है अब पापा? तोबा, मेरी इतनी जुरात? कभी गलती से हाथ लग गया हो, कभी ऐसे ही ना। तोबा कीजिए साहब, ऐसे पकड़ने पकड़ाने की बात ना करें, हमारे जज्बात जाग जाएंगे। क्या मतलब मेरी बातों से तुम्हारे जज्बात जाग रहे? हाँ तो पकड़ने पकड़ाने की बातों से जज्बात नहीं जागेंगे तो क्या चने के खेत में गन्ना उगेगा? यार क्या फ्रस्ट्रेटेड आदमी है यार, कभी किसी का हाथ पकड़ने से जज्बात जागते हैं क्या? ये तो एक दूसरे का साथ निभाने का एहसास होता है। जब एक शौहर अपनी बीवी का हाथ थामता है तो बीवी को हिफाजत का एहसास होता है। क्या देख रहे हो तुम इतनी देर से? बात कर रहे थे। तो और क्या, कभी पकड़ के उनको एहसास दिलाओ कि तुम उनके साथ हो। ठीक है, क्या समझा था? हम भी आते समझे थे। आप हंस ले, मैं चलता हूं। इस हवेली में ना कोई आएगा ना कोई जाएगा। सिड देखिए, और कौन सी वीडियो खुल गई है?
क्या लगा दिया नोटी अमेरिका बनकर हवेली खोल नोटी हवेली मैं सेफ हवेली अच्छा ओके हवेली हाँ इन बात से हाँ कैमरे सब सही लगा के आए ना हाँ लेकिन नेट की रेंज ना यहीं तक है तो भाई जो मिल रहा है ना जो दिख रहा है शुक्र अदा करो सही है मैंने सिमरन ने और मीरा ने भी ना दूसरी साइड पे बेहतरीन कैमरास लगाए कैमरास लग गए क्या और अगर हम लोगों को कैमरास में नजर ही ना आई तो जिया की बच्ची मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो भूत नहीं इंसान है कम ऑन सेट गुरु चुड़ैल आ गई ना तो मैं उसको तुम्हारे सामने करके भाग जाऊंगा अच्छा जी और तुम मेरे भूत से बच जाओगे बोथ ऑफ यू लड़ाई बंद करो काम पे फोकस करो ये ना ओके वाकई में आज भैया नहीं मैं नहीं आ रहा वो आ गई है मैं खा गई तू चल नहीं आओ वन टू क्यों तुम वीआईपी मूवमेंट हो मैं तुझे मार दूंगी इसने तुझे बोला तेरी बोला आप तेरी नहीं नहीं तुझे तुझे देखो ये ड्रामेबाजी बस करो और हटाओ इन बालों हाँ हाँ हम नहीं डरते मेरे कौन है तेरे को हम तुम सबको मार देंगे बस कर दो अपनी ड्रामेबाजी तुम कोई जिन भूत नहीं हो हाँ हटाओ इसको हटाओ पकड़ लिया जिनको पकड़ लिया बस 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 सीधा पकड़ो हाँ अपनी शक्ल दिखाओ दिखाओ शक्ल इसके बाद इसे करो तेरी एक्स का वाई सीमो एक्स का पूछो तेरी वाई का एक्स हाँ चुप कर ओए माँ के धीरे इधर 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 ये देख कौन लोग हैं ये क्या है मुझे क्या पता जो करेगा वो भरेगा मेरा क्या कसूर बस 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 चलो इनको लेके चलो 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 कहा स्विच में चार्जिंग करने चलो नहीं सुकून चाहिए ना सुकून मजे कर ले आज और मेरा बल्ब फ्यूज हो गया हाँ जाओ तो कटना ही जी आंटी मैं सुनना चाहूंगा आपकी कहानी क्या क्या कमी रह गई थी हमारी तरफ से क्या हमने कभी आपको मुलाजिम समझा हमने आपको हमेशा अपने घर का फर्ज समझा था समझा सिर्फ समझा माना नहीं जबकि मेरा हक था कि मैं तुम्हारे खानदान का एक खास हिस्सा होती लेकिन नहीं मुझे तो इस हवेली में मेरे जज्बात के साथ जिंदा दफन कर दिया गया और अब जब मैं अपना नसीब मानकर सब्र के साथ बैठ गई थी तो भी मुझे यहां से उखेड़ कर फेंकने की कोशिश की जा रही है आंटी प्लीज मैं आपसे पहेलियां नहीं बुझवा रहा मैं सीधी बात कह रहा हूं आप मुझसे सीधी बात करें सच बर्दाश्त नहीं कर सकोगे सिद्ध आंटी प्लीज मुझे सिर्फ सच जानना है आपका झूठ और आपकी फ्लॉप फिल्म मैं देख चुका हूं ठीक है तो सुनो ये रामीन ये तुम्हारी बहन है सगी बहन वो क्या होता है आजकल डीएनए टेस्ट वो करवा लो झूठ नहीं है ये
आंटी सीमा का एटीट्यूड देख के ना मुझे हमेशा शक था इनका कोई ना कोई चक्कर चल रहा है कबीर अंकल के साथ, लेकिन इतना खूबसूरत चक्कर। मैं ऑलरेडी जानता हूं। क्या मतलब, तुम कैसे जानते हो? जब मैं उस कमरे में गया तो मुझे वहां बहुत से डॉक्यूमेंट्स मिले जिन पर डैड के सिग्नेचर्स थे, और वो सिग्नेचर सिर्फ एक बाप ही कर सके। चेक कर रहे हो अंकल के शशके? सेठ, तुमने ये बात हमें क्यों नहीं बताई? अरे यार, तुम पहले मेरी कौन सी बात पे यकीन कर रहे थे? और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इस बात को राज रखूं या इस राज से पर्दा उठा दूं। और वैसे भी तुम सबको मेरी बहन चुड़ैल बनकर बहुत डरा रही थी। चुड़ैल तो नहीं है। मैं आप सबसे माफी चाहती हूँ। नहीं, हम सबसे नहीं, तुम्हें माफी मांगनी चाहिए मीरा और कुक्का से। सबसे ज्यादा इनकी हालत बुरी हुई हुई थी। मैं आप दोनों से भी माफी चाहती हूँ। कोई बात नहीं, लेकिन तुमने डराया बहुत है हमें। इट्स ओके, कोई बात नहीं। ठीक है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। अब आप बताएं, आप क्या चाहते हैं? मैं बस इतना चाहती हूँ कि जब तक मैं जिंदा हूँ मुझे इस हवेली में रहने दिया जाए। ये हवेली मेरी मोहब्बत की गवाह है। मेरी यादें यहाँ अटखेलियाँ करती फिरती हैं। अगर मुझे यहाँ से निकाला गया ना तो मेरी यादों से पहले मैं मर जाऊंगी। और तुम नहीं मरती। हाँ, तुम बहुत ठीक है, डियो नहीं मरोगी और ना ही मैं तुम्हारी यादों को मारूंगा। हाय डैड। हेलो अंकल। हेलो अंकल। हेलो अंकल। मैं मतलब अंकल, आप इधर, हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई यू? तुम्हारे डायरेक्टर ने हुक्म दिया था कि फिल्म के क्लाइमेक्स में हाजिरी जरूर लगवानी है, तो बंदा नाचीज हाजिर हो गया। गेस्ट अपीयरेंस है। मुझे माफ कर दीजिए चौधरी साहब, मैं इस राज को मजीद छुपा नहीं सकी। मुझे शर्मिंदा ना, पहले तुमने कम कुर्बानी दी, अब तुमसे कोई कुछ नहीं मांगे। चलो बेटा, अब तुम दे ही दो। अच्छा, इंसान बन। अच्छा अच्छा। और मूर्खा, मेरा मतलब है ये तेरी बहन का हक है, अपने हाथ से उसके हवाले कर दे। रामीन, तुम मेरी बहन हो, मैं कोई एहसान नहीं कर रहा, बल्कि मैं शर्मिंदा हूं कि मैं तुम्हें भाइयों वाला प्यार नहीं दे सका। ये लो, इस हवेली और हमारी सारी जायदाद का तुम्हारा हिस्सा है, इसकी तुम हकदार हो। बस अब हमें और कुछ नहीं चाहिए। सब कुछ तो ले लिया। सीमा आंटी, मैं आपको दे भी नहीं रहा, ये मैं अपनी बहन रामीन को दे रहा हूं। तुम सब जानते हो, अब हम सब मिलकर यहां एक शानदार स्टूडियो बनाएंगे। और यू नो व्हाट, सबसे पहली फिल्म होगी हमारी हॉरर कॉमेडी, इसकी डायरेक्टर होगी रामीन। इंशाल्लाह ऑस्कर जीतेगी, देखना ही रहेगा। क्या हमें भी इसमें कोई किरदार मिलेगा? हाँ हाँ जी जी, क्यों नहीं, आप तो बहुत अच्छे एक्टर हैं। इतना डर तो मुझे रामीन से नहीं लगा जितनी आपकी टॉर्च और आपसे लगा है। साडा हक इत्थे रहण। इस हवेली में ना कोई आएगा ना कोई जाएगा, जो आया पछताएगा मर जाएगा। इस हवेली में ना कोई आएगा ना कोई जाएगा, अकड़ बकड़ बम्बे बो, अकड़ बकड़ बम्बे बो।